Good evening. Welcome to Vision Notice TV. I am Rizino Nunisa, bringing you the top 5 stories of the day. Contractor makes drain on his own. There are lots of roads construction going on in Umrangso. One such road leads from gas agency towards Dongzen Razi. This is the present condition of the road, where some blocks have gone down and the road is uneven now. Within a year of construction, Mr. Ram Komal Warisa, a local contractor from Dongzen Razi, went ahead to construct drain on both sides of the road to protect road from further destruction. Block road construction left uncompleted since lockdown. Construction of a block road from Dongzen Razi to Hebron was halted during the countrywide lockdown. All such construction work resumed during the unlockdown phase, but no work has been seen on this road, causing lots of problems to the people of Umrangso. Bijoya notice ko pranam aur dhanyabad aur hum log ko yahan pe jo Dongzen Razi mein pehle jo rasta sab bhi bana chuka hai sab jagah mein to hum log ko ye Dongzen Razi mein rasta nahi banaye abhi tak lockdown bhi chala gaya phir bhi abhi tak bhi rasta ye complete nahi hua. गाड़ी जाने में कितना मुश्किल है और आदमी चलने में मुश्किल है, बच्चा लोग आना जाना में बहुत मुश्किल है, शायद नहीं मिल रहा है रास्ता. 20 में वो पत्थर रख चुका है लोग, अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ. इसलिए अनुरोध है जो कॉन्ट्रेक्टर से, जो जहाँ पीडब्ल्यूडी से हो या कुछ दूसरा डिपार्टमेंट से हो, जो वो अनुरोध है कि ये रास्ता जल्द से जल्द कम्प्लीट करना चाहिए, वो अनुरोध है. ATSP working well at Umrangso. Assam targeted surveillances program launched by government of Assam to check spread of coronavirus is working well at Umrangso. Good afternoon, everybody. I am Dr. Nilkanth Bhuksha. I am the surveillance in charge of this Umrangso area. Abhi jo hum log Assam mein Assam ATSP bol ke jo program chal raha hai, jo hum log vulnerable group jo bhi jahan se matlab jaise आप लोग का जो पता है कोविड-19 जिस तरह से फैल रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं कि वो प्रोग्राम एक चला रहे हैं ATSP बोल के, असम टारगेटेड कम्युनिटी सर्वेलेंस बोल के. उसके अंडर में हम लोग उमरांगसो एरिया में अभी तक हम लोग ने ATSP के अंडर में 66 सौ कलेक्शन कर लिया है. उसमें से अभी हम लोग का ऑलमोस्ट 42 रिजल्ट आ गया है. वो रिजल्ट 42 का सबका निगेटिव है. उसमें से भी हम लोग उस जगह को चूज किया है जिसमें कि मतलब कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी है कि जैसे कि ज्यादा जहां में ज्यादा भीड़ भाड़ है, जैसे कि सपोज दालमिया, मतलब दालमिया का ट्रक ड्राइवर है, वो तो सब ऑल ओवर आसाम ऑल ओवर इंडिया से इधर उधर आते रहते हैं, उनसे हम लोग ने सैंपल लिया. और उसमें पार्किंग एरिया जो दालमिया में सिस्टम किया, दालमिया एरिया में जो पार्किंग एरिया है वहां का जो पार्किंग स्टाफ का हम लोग ने स्टाफ ले लिया है, 18 जून को ले लिया था, उनका भी निगेटिव आ गया है. और उसमें से जैसे कि हम लोग का मेडिकल स्टाफ ऑलमोस्ट हम लोग ने 80% हम लोग का मेडिकल स्टाफ का सब ले लिया, उसमें से सभी का निगेटिव आ गया. उसके उपरांत हम लोग का जो उमरांगसो एरिया में कैंटीन है, कैंटीन वाले का भी हम लोग जो चूस चूस करके जहाँ जो ज्यादा गैदरिंग एरिया है वहां से भी सब ले लिया है, वो कैंटीन वाला का निगेटिव आया. आसाम हम लोग का उमरांगसो पुलिस स्टेशन का उन लोगों का भी हम लोग ने 6-7 स्टाफ का सैंपल ले लिया है, उनका भी अभी हम लोग का एरिया में उनका भी रिजल्ट आ गया, उनका भी निगेटिव है. जैसे कि हम लोग का उमरांगसो नेपको कॉलोनी है, नेपको कॉलोनी में जो ड्राइवर है उनका हम लोग ने सैंपल ले लिया है, नेपको स्टाफ का ले लिया है, उन लोग का भी रिजल्ट आ गया है, उन लोग का भी रिजल्ट निगेटिव ही आया है. और उसके साथ साथ हम लोग SESV भी प्रोग्राम कर रहे हैं साथ साथ में, जैसे कि जो भी जैसे कि अभी का जो कॉमन फ्लू टाइप का फीवर होता है, जिस तरह कोरोना में जो सिम्टम दिखाई देता है फीवर कफ कोल्ड, उन लोगों का भी हम लोग ने सैंपल ले लिया है ILI बोल के. उसमें इसी के दौरान SESV सेकेंड राउंड के दौरान उन लोगों का भी निगेटिव आ गया है. अभी तक हम लोग एरिया में अभी आप लोग का 66 ATSP सैंपल में 42 का रिजल्ट आ गया और बाकी का आना बाकी है, वो भी विद इन दिस 2-3 डेज में आ जाएगा. उसलिए अभी हम लोग को अभी तक उमरांगसो एरिया बोलने से अभी तक सेफ है, उसलिए अभी हम लोग को थोड़ा समझ के चलना है. जैसे कि एकदम बाजार गैदरिंग थोड़ा गैदरिंग प्लेस में आप जाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके सभी को चलना है और प्रॉपर मास्क एकदम बाहर चलने से. तो अभी गैदरिंग में ठीक है, आपका घर का अंदर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन गैदरिंग में जब मार्केट जाएंगे कहीं भी कम कुछ प्रोग्राम में जा रहे हैं तो एकदम कंपल्सरी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क प्रॉपर यूज. और जो भी हम लोग मार्केटिंग से बाहर से सामान लाते हैं और ज्यादा जो जरूरी है उनको ही ज्यादा अभी वो लेना है,
और बाहर ज्यादा रिपीटेड इधर घूमना नहीं है। अभी जो टाइम आ रहा है, जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही है मदर दिशा में थोड़ा एक दो उसको हम लोग स्टाफ पुलिस स्टाफ हो गया है, अभी हमको थोड़ा सावधानी से चलना है। अगर हम अभी घर में बैठेंगे जो जरूरी काम के लिए निकलने से हम लोग अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। असम ओपन्स प्लाज्मा बैंक। The Assam government on Friday opened a plasma bank at Guwahati Medical College and Hospital for treating coronavirus patients. The first donor was Dr. Likhitesh, who recovered from coronavirus. Health Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma launched the plasma bank, saying it adds to the state's infrastructure in fighting against coronavirus. Four states in India growing faster than the national coronavirus average. Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh are now in the top 10 list of states with maximum cases of coronavirus, a growth higher than the national growth rate. COVID-19 updates. The total of 6,46,000 coronavirus in India. Out of this, 3,94,000 have recovered and 18,655 people have lost their lives. Considering Assam, there are a total of 9,719 cases, out of which 6,327 have been recovered. Deaths of 14 people has also been reported. That's all for today. Thank you for watching Vision Northeast TV. Vision Northeast TV, visioning every corner. Like, share, subscribe.